हजारीबाग में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के जबरदस्त तरीके से लूट की जा रही है। इसी बीच मामला कटकमदाग अंतर्गत ढेंगुरा गांव से सामने आया है, जहां पर गुलमोहर पब्लिक स्कूल के द्वारा 5 एकड़ सरकारी जमीन मौजा का कब्जा किया जा रहा है, जिस पर आलिशान बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण पीयूष कुमार और रैयत सिराज अंसारी की माने तो जिस जमीन पर स्कूल का निर्माण किया जा रहा है उस पर उनके पूर्वज कर्मकांड किया करते थे। इधर पूरे मामले पर डीसी नैंसी सहाय ने संज्ञान लेते हुए जल्द ही जांच कर अतिक्रमण को हटाने की बात कही है। ने हमसे गलती से लिखवा लिया, हम अनपढ़ आदमी हैं जो हम जो ऐसे बचपना से रहते थे, हम कहीं और दूसरे जगह और इन लोग जैसे 5-20 मिनट करके 5 एकड़ लिखवा लिया और इसमें कोई बात नहीं, हम अनपढ़ आदमी थे, बराबर हम मुखिया जी के यहाँ काम करते थे, उन लोग खतियान निकाल करके बोले इसकी 5 एकड़ जमीन 5 जिसमें ज़मीन है तुमरा बेचोगे, तो हमरा है तो बेचेंगे, हम यहाँ नहीं रहते थे, हम रहते थे नाना नानी के यहाँ, वहीं पले बड़े हैं और मुखिया जी के यहाँ फिर काम करना शुरू किए, तो जो ऐसे मैंने कहीं की 5 जिसमें ज़मीन है तुम बेचोगे हम तो पावर दे दो हमको, हम देंगे तुमको हम पैसा बेच करके। हम लोग इसकी शिकायत पूरा आम जनता ग्रामीणों ने 6 तारीख को उपायुक्त महोदया को लिखित रूप से दे दिया, लेकिन मामला जस का तस दिख रहा। इसके फलस्वरूप वन रोपण का कार्य यहाँ फॉरेस्ट विभाग से किया गया है कोना नदी में, इसका गाड़ी बार बार आवागमन से पौधा नष्ट हो रहा है और धूल गंध चलने से हम रेंजर साहब से और डीएफओ साहब से आग्रह करेंगे इस पर थोड़ा संज्ञान लें। ये अभी मामला संज्ञान में आया है कि इंक्रोचमेंट आने के बाद पुनः कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह या उस पर कब्जे करने की कुछ कोशिश की जा रही है, तो हम लोग उस पर अभी संज्ञान में आया है, इमीडिएट चेक कराते हैं और फिर उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे।